जिसने ये करने में मुझे बहुत मदद की, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रिश्तेदारों का, फैमिली मेम्बर्स का, जिन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया। बहुत ही खुशी अभी हो रही है, बहुत ही खुशी, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बीइंग एज अ ड्रॉपर। तो पहले मैंने 2018 में जो मेरा 12th था वो क्लियर किया, उसके बाद खास 11th और 12th ज़्यादा पढ़ा नहीं था। तो 2019 में तो पहले तो यही थी तैयारी थी कि पहले 12th और 11th को क्लियर करें। तो 19 में पहला अटैम्प्ट था, लेकिन उसमें ज़्यादा पढ़ा नहीं था हमने। फिर 20 में दूसरा, 21 में तीसरा, और अभी 22 में ये चौथा अटैम्प्ट था। तो मैंने 11th और 12th काई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस जो है परीपोरा में वहाँ पढ़ा, और उसके साथ साथ जो यहाँ के टीचर्स, हायर सेकेंडरी के जो लोकल टीचर्स हैं, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी बहुत मदद की, और ज़्यादातर जो है वो परीपोरा काई में, जो परीपोरा में जो काई है, उनकी ही बदौलत यह सब कुछ आज हासिल हुआ मुझे। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी बहुत अच्छा पढ़ा था सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में, लेकिन मेरा भी नहीं हुआ। तो अभी ज़्यादातर मैंने, अगर मैं खुद की बात करूँ, ज़्यादा सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट से मैंने डिफरेंट कुछ पढ़ा नहीं था, वही पढ़ा था, वही टेक्स्ट मैंने फॉलो की थी। लेकिन इस साल थोड़ा मैंने जो है टेस्ट सीरीज में मैंने जो बदलाव लाया था इस साल, तो आप भी यही कर सकते हो। पहले अटैम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, खाली आपको जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है जो खाली 3 घंटे में होता है। तो 3 घंटे में हम भटक भी जा सकते हैं, 3 घंटे में हम भटक भी जा सकते हैं, और ये उन्हीं 3 घंटों का खेल है। तो उन 3 घंटों पे ज़्यादा फोकस करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो, सब कुछ अल्लाह। इससे तो 12th में यही जो लोकल हायर सेकेंडरी हमारी हाजन हायर सेकेंडरी वहाँ पढ़ा मैंने, और उन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया था कि नीट होता है, जेईई होता है, एग्जाम ऐसे एग्जाम होते हैं, तो आप उनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो 11th और 12th से ही। तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं।